अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका इसके उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा टॉपिक नंबर 2 है उर्दू की पैदाइश पंजाब में। हम उर्दू का आगाज़ और इर्तिका टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा पॉइंट नंबर 2 उर्दू की पैदाइश पंजाब में। सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। उर्दू की पैदाइश पंजाब में। दूसरी बार मुसलमान 10वीं सदी के रब्बा आखिर में गजनी के बादशाह अमीर सुबकदगीन की क़यादत में दर्रा खैबर के रास्ते से पंजाब में दाखिल हुए। सुबकदगीन के बाद उसके फर्जंद महमूद गजनवी, जिसकी वफ़ात 1030 ईस्वी में हुई थी, फर्जंद थे उनके। सुबकदगीन के फर्जंद महमूद गजनवी पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों पर पैदर पे हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। गजनवी सल्तनत के क़याम के बाद मुसलमान धीरे धीरे सारे पंजाब में फैल गए। ये लोग फारसी बोलते हुए आए थे। महमूद गजनवी कौन सी ज़बान बोलते हुए आए थे? फारसी ज़बान बोलते हुए आए थे। इनमें से कुछ की ज़बान तुर्की थी और जो आए थे उनमें से कुछ की ज़बान तुर्की भी थी, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी ख़ुद एक तुर्की नस्ल का बादशाह था। पंजाब में मुसलमानों ने तकरीबन 200 साल तक क़याम किया। कितने साल तक क़याम किया दोस्तों? कम से कम 200 साल तक। इस मुद्दत में उनके और अहले पंजाब के दरमियान मज़बूत समाजी राबता कायम हो गए। उन्हें रवाब की बुनियाद पर हाफिज़ महमूद शीरानी जिनकी पैदाइश 1880 और वफात 1946 है, ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि वह ज़बान जिसे हम उर्दू कहते हैं ये ज़मीनें पंजाब में पैदा हुई और वहीं से हिजरत करके दिल्ली पहुंची। दोस्तों, हमारे रीट में सवाल आया था कि उर्दू की जाय पैदाइश पंजाब से हुई है, ये कौल किसका है? तो देखिए, आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। हाफिज़ महमूद शीरानी, इन्होंने ही कहा था कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उर्दू की जाय पैदाइश पंजाब में पैदा हुई और वहीं से हिजरत करके दिल्ली पहुँची। हाफिज़ महमूद शीरानी ने इस नज़रिए को अपनी तसनीफ पंजाब में उर्दू, अगेन इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? तो पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शीरानी साहब की तसनीफ है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शीरानी साहब, पंजाब में उर्दू, इम्पोर्टेंट। लाहौर 1928 में बड़े मुफस्सिल और मुदल्लिल अंदाज में पेश किया है, वह लिखते हैं, महमूद शीरानी साहब लिखते हैं, उर्दू दिल्ली की कदीम ज़बान नहीं, उर्दू दिल्ली की पुरानी ज़बान नहीं, बल्कि वह मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है। अगेन सवाल बन सकता है कि ये कॉल किसका है कि उर्दू जो है दिल्ली की ज़बान नहीं बल्कि वह मुसलमानों के साथ दिल्ली पहुंची, या मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है उर्दू, ये किसने कहा? दोस्तों, ये कॉल भी उन्हीं का है, महमूद शीरानी, जिन्होंने ये कहा था कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। उर्दू दिल्ली की कदीम ज़बान नहीं है बल्कि मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके दिल्ली जाते हैं इसीलिए ज़रूरी है कि वह पंजाब से कोई ज़बान अपने साथ ज़रूर लेकर गए होंगे। ये महमूद शीरानी साहब का कॉल है। महमूद शीरानी ने अपने इस बयान के सबूत में बाज़ तारीखी दलाइल पेश करने के अलावा पंजाबी और उर्दू बिलखसूस कदीम दक्कनी उर्दू की मुश्तरका लिसानी खसूसियात का भी ज़िक्र किया है। मसलन, जैसे कि उनकी तज़कीर व तानीस और जमा और अफ़ाल की तसरीफ़ का इत्तेहाद उसी एक नतीजे की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं कि उर्दू और पंजाबी ज़बानों की विलादत गाह एक ही मकाम है। महमूद शीरानी साहब कहते हैं कि पंजाबी और उर्दू जो है उनकी जो विलादत हुई है, जहाँ वो पैदा हुई है, वो दोनों एक ही जगह है, एक ही मकाम है,
दोनों ने एक ही जगह तरबियत पाई है। जब सयानी हो गई तब उनमें जराई वाके हुई है सॉरी जब सयानी हो गई तब उनमें जुदाई वाके हो गई, यानी कि उर्दू और पंजाबी को दोनों को एक ही जगह पर पैदा होना बताया है महमूद शिरानी साहब ने, और जब इनका बोलचाल बढ़ गया तब फिर इनकी जुदाई के बारे में उन्होंने बताया है। उर्दू के पंजाबी में मुश्तक होने या सरजमीन पंजाब से मंसूब होने का नज़रिया कोई नया नज़रिया नहीं है। इससे पहले शेर अली सरखोश साहब ने अपने तज़किरे एजाज़ सुखन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गौर करने वाली बात, एजाज़ सुखन किसकी है, शेर अली सरखोश साहब की, लाहौर में 1923 में छपी थी, मैं इस किस्म के ख्यालात का इजहार पहले ही। अगर सवाल ये बनता है कि महमूद शिरानी साहब से पहले ये ख्यालात किस और किसने दिए थे कि उर्दू की जाय पैदाइश पंजाब है, तो आपको ये याद होना चाहिए। हम जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह के डीपली सवाल बन सकते हैं। रीट में हमारे महमूद शिरानी साहब ने पंजाब में उर्दू बताया, ये आया है, बेशक है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में इससे रिलेटेड इसका और डीपली सवाल पूछा जा सकता है कि महमूद शिरानी साहब से पहले किस साहब ने पंजाब में ही उर्दू की जाय पैदाइश बताई, तो यह है शेर अली सरखोश अपने तज़किरे, और इनके तज़किरे का नाम भी है देखो एजाज़ सुखन। इस किस्म के इन्होंने ख्यालात इजहार कर चुके हैं। 1928 में शिरानी की पंजाब में उर्दू की इशात से दो साल कबल डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी 1890 से 1977 की तहकीकी और आलिमाना तसनीफ दी ओरिजन एंड आलिमाना तसनीफ दी ओरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी बंगाली लैंग्वेज कलकत्ता 1926 शाये हुई, कलकत्ता में 1926 में शाये होती है सुनीति कुमार चटर्जी साहब की एक तहकीक है दी ओरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी बंगाली लैंग्वेज, जिसकी जिल्द अव्वल के मुकदमे में उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया कि नवाए दिल्ली के मौजूदा बोलियों का तशख़्ुस मुसलमानों के दाखला दिल्ली के वक्त नहीं हुआ। क्या लिखते हैं वो, ये ख्याल जाहिर किया कि नवाए दिल्ली के मौजूदा बोलियों का तशख़्ुस मुसलमानों के दाखला दिल्ली के वक्त नहीं हुआ था, और लाहौर ता इलाहाबाद तकरीबन एक ही किस्म की ज़बान राइज थी। टी ग्राहम बेल 1942 ने जो पंजाबी ज़बान की एक मस्तंद आलिम समझे जाते हैं थे, टी ग्राहम बेल साहब जो हैं वो एक पंजाबी ज़बान के काफ़ी जाने माने आलिम समझे जाते थे, महमूद शिरानी के ख्याल से पूरे तौर पर इत्तफाक करते थे। पंजाबी ज़बान के जाने माने आलिम टी ग्राहम बेली साहब वो महमूद शिरानी साहब की इस बात से पूरे तौर पर इत्तफाक रखते हैं कि उर्दू की पैदाई पंजाब से हुई। इत्तफाक करते हुए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मुजल्ले में लिखा है, क्या लिखा है देखो उन्होंने, उर्दू 1527 के लगभग लाहौर में पैदा हुई, कदीम पंजाबी उसकी माँ हैं, कदीम पंजाबी उर्दू की माँ किसने बताया है, टी ग्राहम बेली साहब जो उर्दू के एक बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि कदीम पंजाबी जो है वो उर्दू की माँ है, और कदीम खड़ी बोली सौतेली माँ, कदीम खड़ी बोली जो है वो पुरानी जो खड़ी बोली है वो उसकी सौतेली माँ है, जबकि उसकी असल माँ पंजाबी को बताया है टी ग्राहम बेली साहब ने, जो कि एक पंजाबी के आलिम हैं। ब्रज से बराह रास्त उसका कोई रिश्ता नहीं है, और ब्रज भाषा से ये इसका कोई रिश्ता नहीं बताते, मुसलमान सिपाहियों ने पंजाबी के इस रूप को जवान दिनों
पंजाबी के उस रूप को जो उन दिनों दिल्ली के कदीम खड़ी बोली से ज़्यादा मुख्तलिफ न था इख्तियार किया। मुसलमान सिपाहियों ने पंजाबी के इस रूप को जो उन दिनों दिल्ली की कदीम खड़ी बोलियों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, अलग नहीं था, पंजाबी और दिल्ली की जो खड़ी बोली थी एक जैसी मिली जुली थी, तो जो मुसलमान जो सिपाही उस दौरान आए थे उन्होंने इस रूप को इख्तियार किया और उसमें फारसी अल्फाज और फ़िक्रे शामिल कर दिए। ग्राहम बेली ने इस नुक्ताए नज़र की ताईद अपनी तसनीफ़ ए हिस्ट्री ऑफ दी उर्दू लिटरेचर, ये इन्होंने लंदन में लिखा था 1932 में, ए हिस्ट्री ऑफ दी उर्दू लिटरेचर में भी की है कि उर्दू जो है उसकी पैदाइश पंजाब से हुई है, पंजाबी उसकी माँ है और खड़ी बोली उसकी सौतेली माँ है। टी ग्राहम बेली साहब। दोस्तों ये हमारा यहाँ टॉपिक पूरा हुआ और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा उर्दू की इब्तिदा नवाए दिल्ली की बोलियों से। इसमें अलग अलग महक्किक द्वारा अलग अलग बात कही गई होगी, हम उसको पढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक में। तो सेकंड जो टॉपिक था हमारा पंजाब में उर्दू, इसके अहम बानी जो कहे जाते हैं वो है महमूद शीरानी साहब, और उनसे भी पहले अगर पूछा जाए कि महमूद शीरानी साहब से भी पहले किसने ये कहा था उर्दू की पैदाइश पंजाब के इलाके में हुई, शेर सरखोश। दोस्तों अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और सुनते रहें, छोटी छोटी वीडियो हैं, आप सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, आपको ये चीज़ें आप बोलचाल की ज़बान में जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार तो हमने सुना हुआ, जब पेपर में आएगा तो आप अपने आप सुनते ही इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज़ें आने लगेंगी। कंटिन्यू हमारी इस तरह की सीरीज़ चलेगी और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए आपको पता चल जाए उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर टिक करना पड़ेगा। शुक्रिया, शब्बा खैर।